हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मु पंकज कुमार आपनको स्वागत करुच्ची पी के फेवरेट चैनल को। आज वीडियो रे मु आपनको व्हाट्सएप रो किछि सीक्रेट सेटिंग विषय रे जानिबाक जाउची एवं ए सेटिंग गुडी को आपन पूर्वरु केबे भी जानि नथिबे। तो कौन हुए व्हाट्सएप प्रति मास रे किछि अपडेट आने एवं से अपडेट गुडी विषय रे आमे समस्त यूजर जानि परुना, जहा फल रे आमे से अपडेट गुडी करो लाभ नै परुना। तो मुझे वीडियो रे आपन को व्हाट्सएप रे एमिति किछि नुवा अपडेट विषय रे जणैबाक जाउछि, जहा को यूज करी आपन जो व्हाट्सएप को अति सहज रे व्यवहार करि परिबे। तो ई सब ट्रिक संपूर्ण नुवा अछि, तो आपन ए वीडियो को मूल शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो टॉपिक स्टार्ट करिया पूर्व यदि आपन ए पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करिनहंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं त डाहन थे बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। लेट्स बिगिन। तो आमर प्रथम जो सेटिंग रहिबो सेटा होची व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेसी। तो बहुत समय रे कौन हुए ना आमको जीए चाहे से व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड कर दिए, जहाँ फल हजार हजार मेसेज आसे एवं आमे सब बेले अस्तव्यस्त हो जाऊ। तो आपण चाहिले आपण एमित गुडे सेटिंग करि परिबे जहाँ फल आपण को अन्य केही व्हाट्सएप रे ऐड करि परिबनी। तो ए सेटिंग केमिति हबो चलंतु आमे देखिबा। तो प्रथमे आपण को व्हाट्सएप ओपन करिवार अछि, तो मु व्हाट्सएप को आपण को आगे ओपन कर देउछि। तो ये रहिला हमर व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप को ओपन कर सारा पर आपण यार ऊपर जो तीन टी बिंदु अच्छी देखा आपन को आपन ता ऊपर क्लिक करंतु। तो मते तीन टी बिंदु पर क्लिक कर देली। क्लिक कला पर एठी आपन को देखा थी न्यू ग्रुप न्यू ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप वेब। तो सेटिंग, तो आपन को सेटिंग ऊपर क्लिक करिवार अछि। तो मु सेटिंग ऊपर क्लिक कर देली। तो वर्तमान आपन को जिवार अछि अकाउंट, तो मु अकाउंट ऊपर क्लिक कर देली। क्लिक कर सारा पर वर्तमान आमे जिबा प्राइवेसी। तो देखो प्राइवेसी रे क्लिक ही गला। तो प्राइवेसी रे क्लिक कर सारा पर आप तल को आसतु ये देखा थी ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स रे गोटे सेटिंग अच्छे आप क्लिक करूँ एवरीवन माय कॉन्टैक्ट्स नोबडी। तो प्राय समस्त यहाँ एवरीवन रे थाए, ता माने आपन को जेकोसी लोक जेकोसी ग्रुप रे ऐड करें, जहाँ फल आप जान नाथ किंतु आपण नंबर भिन्न भिन्न ग्रुप रे ऐड हो जाए एवं आपण मोबाइल को ऑटोमेटिक मेसेज बहुत आसे। तो यह केस रे आपण कौन करि परिबे ना आपण माय कॉन्टैक्ट्स रखि परिबे। माय कॉन्टैक्ट्स रखिला परे आपण को मोबाइल रे जहाँ नंबर सेव अछि केवल सेई माने आपण को ऐड करि परिबे। जदि आपण चाहूछन्ति आपण को केही भी ग्रुप रे ऐड न करंतु, आपण बिजी रहूछन्ति आपण मेसेज देखि आपण टाइम नाही, ताहले आपण नोबडी पर क्लिक कर दियंतु, जहाँ फल आपण को केही भी ग्रुप रे ऐड करि परिबे नाही। तो ये गोटे बहुत भल अपडेट जहाँ व्हाट्सएप ये रिसेंट अपडेट रे देछि। तो वर्तमान आपण एक ट्रिक यूज करी निज को सेफ रखिपरिबे। तो स्पेसिफिकली मते सेटिंग टी बहुत भल लागुछि। तो वर्तमान आमे जिबा सेकंड सेटिंग को। तो आमर सेकंड जो सेटिंग होछि सेइटा होछि व्हाट्सएप ट्रांसलेट। तो बहुत समय रे कौन हुए ना आमर फ्रेंड थांती अलग स्टेट रे जेउ मानकर अलग लैंग्वेज थाए। तो आजिकल तो प्राय लोकंर विभिन्न अलग स्टेट रे फ्रेंड रोचंती, धरा जो आपणकर कोनसी सांग अछि जे ओडिसा बाहर, तो से आपण बाकु हिंदी रे मेसेज करूची किंतु आपण जानि पर नांती जे से कोन कहूची अथवा आपण हिंदी पढ़ी जानि नांती। तो से केस रे आपण कोन करिवे, तो आपण कोनसी ट्रांसलेट आप इंस्टॉल करबा दरकार नाही, ए व्हाट्सएप रे सब किछि अछि। तो वर्तमान आमे जिबा देखंतु मोर गोटे मेसेज आछि आपका नाम क्या है। धरा जाऊ मुझ हिंदी जानी, तो मुझे यहाँ मेसेज को केमी रिप्लाए करी। तो देखते आप क्लिक करूँ मेसेज आपर क्लिक कर सारापर उपर देख तीन टी बिंदु आपर मुझ क्लिक कली। क्लिक कलापर आप कॉपी कर दिंतु। तो कॉपी होगा मेसेज। तो बर्तमान मुझे पेस्ट करदेवि पेस्ट करदेली। तो बर्तमान आम देखार मिनिंग कौन इंग्लीश्रे, जहाँफल मुझे रिप्लाए देपरि कारण मुझे हिंदी जानी। तो से बर्तमान देखो ट्रांसलेट आसीगला। तो ट्रांसलेट उपर मुझ बर्तमान क्लिक करदेवि। तो मुझे क्लिक करदेली। देखूँ ऑटोमेटिक चली आसला व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो मुझे इंग्लीश जानी तेणुक मुझे सांगे सांगे तार रिप्लाए दे पारि। तो खाली हिंदी नुहे, जदि आपणकर तमिल तेलुगु मलयालम तो अन्य कौन सी लांगुएज कौन सी सांग अच्छा आपड़ से लांगुएज पढ़ी जानी ना। तो से केस्रे आपड़ व्हाट्सएप ट्रांसलेट को यूज कर अति सहजरे मेसेजर रिप्लाए दे पारे। तो ये बहुत भल अपडेट। नंबर थ्री ग्रुप हिडन सेटिंग। तो बहुत समय कौन होता है आम कौन ग्रुप क्रिएट करूँ तो किसी मेम्बर हो गला परे, तो मेम्बर तरफ रू अधिक आजे बाजे मेसेज आसे,
ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବେକାର ମେସେଜରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ମେମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ ନ କରୁ, ତ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଟିଂ କି। ତ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଟିଂ କି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ ସେଣ୍ଡ ମେସେଜ, ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା, ଅଲ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ମିନ୍। ଅଲ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ମେସେଜ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ମିନ୍ସ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେବଳ ଆପଣ ମେସେଜ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ମେସେଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମେସେଜ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଜି ବାଜି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଆଡ଼ମିନ୍ମାନେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଏ ସେଟିଂକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୋ ମତରେ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ତ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ମେସେଜ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାରେ ଲାଗେ। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଏକାଥରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ତିନିଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଟିଂ କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁସେଜ୍କୁ। ତ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁସେଜ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁସେଜ୍। ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ୟୁସେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେତେ ଏମ୍ ବି ଖାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏତେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା କଣ୍ଟାକ୍ଟ 50 MB ରୁ 100 MB ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର କେଉଁ କେଉଁ ମେସେଜ୍ କେତେ ଲେଖା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖାଇଛି, ଫଟୋଜ୍, ଷ୍ଟିକର୍, GIF, ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ତ ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅପସନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ସେଟିଂ ରହିଲା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସେଟିଂ ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆସିଛି। ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।